महिला कल्याण विभाग ने जन सुनवाई किया और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित समस्याओं को सुना और समाधान भी किया। सबसे ज्यादा महिलाओं ने घरेलू हिंसा को लेकर जन सुनवाई में अपना आवेदन लेकर पहुंची। जन सुनवाई में लगभग 14 महिलाएं शामिल हुई और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। महिला आयोग के सदस्य राम सखी कठेरिया ने हर विभाग के अधिकारी आए हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार जन सुनवाई में पुराने मामले नहीं आए हैं, जो भी मामला आया है वह नया आया है। अधिकारियों से कहा कि आज जो महिलाएं आई हैं उनको दोबारा ना आना पड़े। मैम, जन सुनवाई आज आपने किया है, कितने एप्लीकेशन पड़े हैं, क्या क्या मामले आए हैं? आज जन सुनवाई में मेरे पास 14 केस आए हुए हैं पीड़न के, और उन केसों में हर विभाग के अधिकारी आए और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि अब की जन सुनवाई हो तो जिनमें से केस दोबारा नहीं आना चाहिए, उनके समाधान उनके होने चाहिए। महिलाओं के जो महिलाएं अपनी समस्या लेके आई हैं, अच्छी संख्या में हमारी महिला अधिकारी बैठी हुई हैं, अधिकारी बैठे हैं, कोशिश पूरी यह है कि उनका समाधान करा दिया जाएगा। आज अब तक कितने मामले आए? 14 मामले आए। कितने समाधान पूरे का होगा? आपको अब की बार जब आप आएंगे, हो सकता है मैं ना हूँ, दूसरी मैडम आवे, अर्चना मैडम आ रही है। कोई लंबित मामले नहीं आए, मामले नए आए हमारे पास, कोई पेंडिंग वाले मामले हमारे पास नहीं आए, नए मामले आए। और नए मामलों का मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उनका समाधान पूरा हुआ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ तो कोई समस्या पेंडिंग में हो ही नहीं सकती है। घरेलू हिंसा के मामले अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखने को मिल रहा है। खासतौर से बात यह आती है ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो अभी भी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं वो थाने और चौकी जाने का नहीं होता है उनको। वो कहती हैं कि थाने चौकी जा करके सिर्फ और सिर्फ दौड़ना पड़ता है। ऐसे में इसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं दौड़ना पड़ेगा तो दोबारा जन सुनवाई, वो दोबारा तो आएंगी मेरे पास। जब दोबारा आएंगी तो ये बताएंगी कि हम मतलब जो भटक रही है, थाने जा रही है, उनकी जन सुनवाई नहीं हो रही है, और दोबारा अगर आएंगे तो उसको कड़ी सजा भी दी जाएगी। कई बार देखा गया है महिलाएं थाने पर कैदी चले जाती हैं, अगर रेप का मामला होता है उसको दबाव करके बदलने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सरकार जो है महिलाओं के प्रति बहुत सक्रिय है, महिलाओं को परेशानी कहीं देखना नहीं चाहती। हर महिला हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के अपना भाग ले रही हैं, सर्विस कर रही हैं, और जो बेटियां हैं हर समय वो खुलेआम घूम रही हैं, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। अगर बात की जाए तो कुछ अभी भी ऐसे मामले हैं जो दहेज प्रथा के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से आप लोग किस तरह से? तो ये घरेलू हिंसाएं एक पुलिस द्वारा उनमें बुला के समझौता करवाया जाता है, वो नहीं मानते तो एफ आई दर्ज कर उनसे तकाल। लेकिन एक्चुअली अगर कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि 50% महिलाएं अभी अशिक्षित हैं, जो अगर थाने में जाती हैं, जाने के बाद उनको वापस कर दिया जाता है, फिर अगर दिन दोबारा जाती हैं थाने में वापस भी। ऐसे कोई आजकल की महिलाएं ऐसी नहीं है कि वो थक के बैठ जाएं, आजकल की महिलाएं बेटियां बहुत सक्रिय हैं। क्या नौकरी में ले लो, सर्विस में ले लो, नेतागिरी में ले लो, कहीं ऐसी नहीं है घर पे बैठ जाए वो। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।